केदारनाथ फिल्म का विरोध धर्मनगरी में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि संतों के बाद अब हिंदू संगठन के बड़े स्तर पर फिल्म के विरोध में लगातार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जहां कुछ दिन पहले हिंदू युवा वाहिनी ने आह्वान किया था कि फिल्म को उत्तराखंड में नहीं चलने दिया जाएगा, वहीं आज राष्ट्रीय हिंदू के मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश भारद्वाज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने फिल्म पर आवाज बुलंद करते हुए कहा कि उत्तराखंड केंद्र इस फिल्म को नहीं चलने देंगे, चाहे हमें इसके लिए किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। उन्होंने आज ज्वालापुर के लाल मंदिर से शंकर आश्रम चौक तक पैदल मार्च किया। वहीं इस फिल्म के निर्माता निर्देशक का पुतला भी दहन किया। अगर देखा जाए तो देवभूमि में केदारनाथ फिल्म का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह ये फिल्म केदारनाथ आई है, केदारनाथ की जो संस्तुति जो इनको मिली थी बनाने के लिए, वो 2013 में आई आपदा के ऊपर मिली थी, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, आपदा के सीन तो कम कर दिए, अश्लील दृश्य उसके अंदर ज़्यादा डाल दिए, जिससे कि उनका चाट मसाला लगा करके उनकी फिल्म को ज़्यादा चले। हम लोगों का ये कहना है कि आप भगवान केदारनाथ के नाम से ऐसी अश्लील फिल्म ना बनाएं। भगवान केदारनाथ के नाम पर अगर आप अश्लीलता को परोसेंगे तो ये राष्ट्रीय हिंदू मंच कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और राष्ट्रीय हिंदू मंच ने आज इसी उसके दौरान एक पैदल मार्च विरोध प्रदर्शन के रूप में निकाला है यहाँ से रानीपुर मोड़ तक। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।